हिंगे खान शहर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज्य उपाध्यक्ष अतुल वांदिले ने अपने 40 सहयोगियों के साथ मंच से छोड़ गुरुवार 13 जनवरी को मुंबई में शरद पवार के हाथों राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी में शामिल होने के बाद रविवार 8 बजे शहर के शासकीय विश्राम गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने अतुल वांदिले बात करते हुए बोले कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में काम करते वक्त पक्ष सृष्टि के और से तकलीफ और दिक्कतों के रहते पक्ष छोड़ा है। अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस को एक नंबर पर लाने के लिए प्रयास करने की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए कही। पत्रकार परिषद में राष्ट्रवादी के वरिष्ठ नेता सुधीर बाबू कोठारी, तालुका के अध्यक्ष विनोद वानखेड़े और आफताब खान, दशरथ ठाकरे प्रमुखता से उपस्थित थे। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमधून मी गेल्या 15 वर्षापासून सातत्याने कार्य करत होतो। करत असताना काही पक्षसृष्टीच्या माध्यमातून ज्या काही बऱ्याचशा काही अडचणी आल्या, त्या अडचणी आल्यामुळे आम्ही सर्व पदाधिकाऱ्यांची मी एक बैठक घेतली आणि बैठक घेऊन 2-3 दिवसा अगोदर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमध्ये आम्ही प्रवेश केला। आज मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा सदस्य म्हणून आजची पत्रकार परिषद घेतली। मी माननीय शरद पवार साहेब यांच्या मार्गदर्शनात आणि यांच्या आशीर्वादाने मी राष्ट्रवादी काँग्रेसचं पार्टीचं काम चांगल्या पद्धतीनं करेल, पक्ष कसा मजबूत होईल, पक्षाचं संघटन कसं वाढवता येईल ह्या ध्येयानं मी काम करून पक्षाला नंबर एकवर कसं आणता येईल त्याच्यासाठी 100% प्रयत्न करेन। BCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येनोरकर की रिपोर्ट।